2019 में कानून बनता है और अब 24 चुनाव जब सर पर आ रहा है तब टाइमिंग टाइमिंग। अच्छा आप ये बताइए रोमाना जी, चुनाव होंगे अप्रैल और मई में मोस्ट लाइकली, मार्च में नोटिफिकेशन निकलेगी, आपको क्या लगता है जनवरी से मार्च तक में कितने वोटर बढ़ जाएंगे अगर नागरिकता दे भी देते हैं तो? कितने वोटर बढ़ जाएंगे? ठीक है, 1 करोड़ वोटर बढ़ जाएंगे, 2 करोड़ वोटर बढ़ जाएंगे, तहसीन भाई बता दें। अरे मुश्किल से 500,000 नहीं बढ़ने वाले, उस पर भी छाती लौट रहे हैं, उस पर भी मुसलमानों को पटाने की कोशिश देश की जा रही है, जबकि हिंदू मुसलमान से कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ व्यर्थ की बहस सही है। ठीक है ठीक है, मैं जल्दी से भाटी साहब के पास आ रही हूँ, बाद में आऊंगी तहसीन आपके पास, अभी बहुत मेहमान बाकी रह गए, भाटी साहब के पास आऊंगी। भाटी साहब यहाँ पर जो अभी अजय आलोक ने बात कही कि साहब 2 और 2 5, मतलब ये करने का काम कि सीए जो है ये देश के मुसलमानों के विरोध में है, ये 2 और 2 5 का खेल तो विपक्ष खेल रहा है। हम नहीं कह रहे बिल्कुल भी कि मुसलमानों के विरोध में, ना मुसलमान का इससे कुछ नुकसान होगा, हम कह रहे हैं भारत के संविधान के विरोध में है। भारत के संविधान का मूल ढांचा है कि जो हम धर्म के मूल वंश जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं करेंगे, आप मूल ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सर भारतीय नागरिकों के साथ नहीं करेंगे ना, दूसरी बात देशों के अल्पसंख्यकों को अगर नागरिकता दे रहे उसका क्या लेना देना? सवाल नागरिक का है नहीं, सवाल संविधान का है। कानून तो भारत बनवा रहा है, नहीं कानून भारत के संविधान के खिलाफ है। दूसरी बात, अजय आलोक बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं, इनकी तो नस नस में भरा हुआ है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है भारत में, वहां आज एक अघोषित कानून चल रहा है कि अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी कर ले तो उसे लव जिहाद का केस दर्ज करके जेल भेजा जाता है, और अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करे तो उसकी आरती उतारी जाती है, उसे इनाम दिया जाता है। ये पूरा जो हमारा सोशल जो फैब्रिक है, जो सामाजिक ढांचा है, उसे बिगाड़ रहे हैं ये, हर बात में नफरत फैला रहे हैं, हर बात में भेदभाव करते हैं, यहाँ तक कि पुलिस गोली मारने में भेदभाव करती है, धर्म और जाति देख के गोलियाँ मारी जा रही हैं, धर्म और जाति देख के मकान गिराए जा रहे हैं। अभी 3 बलात्कारी पकड़े गए हैं, गैंगरेप किया था, क्यों नहीं उनके घरों पे बुलडोजर चले? अगर वो किसी विशेष जाति से संबंधित या किसी विशेष धर्म से संबंधित होते तो अब तक बुलडोजर चल गए होते, उन्हें 2 महीने तक बचाती रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बीजेपी तो उन्हें डिसोन कर रही है, कह रही है हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। बीजेपी के आईटी सेल के संयोजक है, तीनों संयोजक और सहसंयोजक जो जिला बीजेपी के सारे नेताओं के साथ, तो वो सारा वो खत्म हो गया। मोदी जी से लेके अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, सबके साथ उनकी अंतरंग फोटो हैं, बैठे हुए, लंच करते हुए, खाना खाते हुए। मैं जवाब ले लेती हूँ। डॉक्टर अजय आलोक प्लीज आइए, यहाँ जो वो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि यूपी बुलडोजर बाबा क्या हुआ, ये गैंगरेप के आरोपी बीएचयू की छात्रा के साथ गैंगरेप करते हैं, इनके घर पर बुलडोजर नहीं चला अब तक? जो छात्रा से गैंगरेप करते हैं उनको पकड़ लिया जाता है, जेल के पीछे ठेल दिए जाते हैं, पार्टी उनको निकाल देती है, आपकी तरह उनको सम्मानित नहीं करती है। और जहां तक रही टेररिस्ट का फोटो खिंचाने का, खुलेआम टेररिस्ट को छोड़ने वाले, कोर्ट की फटकार खाने वाले, हमें सिखाएंगे कि आतंकवादी के साथ कैसे डील करना है? और इनके सहयोगी यासीन मलिक के साथ प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाते हैं, हाँ वो तो बड़ा अच्छा लगता है। और तो और छोड़ दीजिए रोमाना जी, ये हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाने की बात कर रहे थे, जरा बताएंगे, जरा बताएंगे राम भक्तों के साथ जो गोधरा में हुआ था वो सही था या गलत था? राम भक्तों के साथ जो गोधरा में किया गया था वो सही था या गलत था जब बोगियां जला दी गई थी? और आज कांग्रेस के हरि प्रसाद ने ट्वीट किया है, ट्वीट उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से है कि जिस तरह से राम भक्तों के साथ गोधरा में हुआ उसी तरह कर्नाटक में भी राम भक्तों के साथ होगा। खड़े हैं कांग्रेस के साथ, जरा बोले, हिम्मत है तो औकात है तो बोले कि हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं। बीके हरि प्रसाद जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, जो राम भक्तों के साथ गोधरा में हुआ वही राम भक्तों के साथ कर्नाटक में होगा, नफरत हम फैलाते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, धीरेन्द्र जी का रुख करेंगे। धीरेन्द्र जी, तो अब जब बात सीए को लेकर हो रही है तो मामला जो है वो हिंदू मुस्लिम पर, देखा ना आपने बहस में किस तरीके से खुलकर सामने आ रहा है, मतलब सीए जो देश के नागरिक नहीं है, पड़ोसी देशों के नागरिक हैं, यहां नागरिक बनना चाहते हैं, उनकी सहूलियत के लिए कानून बन रहा है, लेकिन हो क्या रहा है राजनीति में, 24 चुनाव के लिए बिसात तय हो रही है, उससे फायदा तो फिर आप ही लोगों को मिलने वाला है, एनडीए को, बीजेपी को मिलेगा, है ना धीरेन्द्र जी? देखिए फायदा और नुकसान का यह विषय तो है ही नहीं रुमाला जी। फायदा चुनाव के, आप कह रहे थी टाइमिंग पे सवाल उठा रही हैं, भारत में तो 6 महीने में, हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा है। और अब मैं समझा कांग्रेस पार्टी की क्यों ये इंडी गठबंधन के लोग या कांग्रेस पार्टी आज तक देश में काम नहीं करती थी, शायद यही वजह रही होगी कि हर 6 महीने में चुनाव होता रहता होगा, ये लोग अपना काम नहीं करते, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। अरे भाई जो जरूरी काम है वो तो हर 6 महीने पर, आप देखे ना कि कितने संशोधन और कितने कानून आ रहे हैं। भाटी साहब बोल रहे थे कि संविधान के मूल भावनाओं के साथ ये नहीं हो रहा, अरे साहब इसमें सुधार हुआ है, कोई नया कानून ये नहीं बना है। भाटी साहब आप तो समझदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है,
हम लोगों ने इसमें सुधार किया है, ठीक है, अमेंडमेंट है ये, ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।